हेलो एवरीवन, आपने माइनक्राफ्ट गेम का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर सुना होगा तो आपने इस गेम को खेलने के लिए जरूर सोचा होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये गेम कैसा है और हमें इसे खेलना चाहिए या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, माइनक्राफ्ट को बनाया है मोजेंग गेम्स ने और उसे पब्लिश किया है मोजेंग गेम्स ने। तो अगर हम बात करेंगे ये गेम आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं, तो आप इसी सभी प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं, चाहे कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे विंडोज, OS X, एंड्रॉयड, iOS, Xbox, PS3, PS4, PS2, PS4 VR, PS4 Vita और Nintendo Switch, Apple TV, Gear VR, Fire TV, सभी में खेल सकते हैं आप। यह गेम हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए। और हम गेम रिलीज डेट की बात करें तो यह 2011 में 18 नवंबर को रिलीज हो चुका है। यह आप इस गेम को सिंगल प्लेयर में खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं। और अगर हम इस गेम की और बात करें, हम इस गेम के अंदर हमें क्या करना होता है, तो यह एक सर्वाइवल गेम है। हम इसे सर्वाइवल दो मोड रहते हैं इसके अंदर, एक सर्वाइवल और एक क्राफ्टिंग मोड। इसके अंदर नई नई चीज बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, टापू बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम इसके अंदर, कुछ भी बना लो। उसके अंदर कुछ एनिमीज आते हैं, उनके अंदर हम सर्वाइव करते हैं। हम इसके अंदर अच्छे 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 घर बनाते हैं ताकि एनिमीज हमें कुछ टेंशन आ सकें। तो यह एक हाई लेवल गेम है और इस गेम खेलें तो वाह। मगर यह गेम मेरे ख्याल से एक अच्छा गेम, 2011 से आज तक YouTube गेमिंग्स में ट्रेडिंग पर हमेशा चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, वरना मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।